लोकसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोकसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ दो चरणों में 12 और 19 मई को मतदान होना है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी दिल्ली और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। पीएम हरियाणा के फतेहाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 चरण के मतदान के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि 23 मई को एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत सरकार की वजह से दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था, लेकिन उन्होंने 40 साल निकाल दिए। इसके बाद उन्होंने 500 करोड़ रुपए दिए और इसके बाद नामदार कहने लगे कि हमने वन रैंक वन पेंशन पास कर दिया, लेकिन उन्होंने ये काम कागज में किया क्योंकि बजट से इसके लिए एक रुपया तक नहीं निकला था। साथियों, मुझे बताइए कि कोई राष्ट्र अपनी रक्षा नीति को मजबूत किए बिना विश्व शक्ति बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? जो राष्ट्र अपनी रक्षा नहीं कर पाता, क्या दुनिया उसकी बात सुनेगी क्या? नए भारत की रक्षा नीति क्या हो, कांग्रेस या दूसरे महामिलावटी अपनी सभाओं में क्या एक बार भी उन्होंने इस विषय में एक भी बात बताई है क्या? बताई है क्या? भाई और बहनों, ये नहीं बताएंगे।